दोस्तों यह है वलिनो, हमें बेस मॉडल से ये 4 पावर विंडो ऑफर करती है। इसके साथ ही हमें लॉक अनलॉक का यहाँ पर फीचर्स ऑफर करती है। ये जो वन टच आप यहाँ पे ऑटो का जो बटन देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिलने वाला है। तो ये बहुत से बिगनर्स लोगों के नहीं पता होगा कि इसका क्या यूजेस रहेगा, तो मैं ये पूरा इसमें बताऊँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जो ऑटो लिखा है, ये ड्राइवर डोर है। ड्राइवर डोर को अगर मैं हल्के से दबाता हूँ तो जो विंडो है वो थोड़ी सी नीचे आती है। अगर मैं इसको पुनः थोड़े से दबाता हूँ तो फिर थोड़ी सी विंडो फिर नीचे आती है। लेकिन अगर मैं इसको फोर्सफुली दबाता हूँ तो ये जो विंडो है वो वन टच में डाउन हो जाती है। इसी तरीके से आपके लिए है, अगर मैं थोड़ा सा दबाऊँगा तो विंडो थोड़ी सी ऊपर आएगी। उसके बाद अगर मैं इसको फोर्सफुली दबा दूँगा, इसमें 2 नॉक मिलते हैं आपको, तो ये विंडो डायरेक्टली अप हो जाएगी। अब इसमें एक एंटी पिंच वाला जो फीचर्स वो ये है कि जब मैं इसको अप करते टाइम यदि कोई भी ऑब्जेक्ट विंडो के बीच में आ जाता है तो वो रुक जाता है ऊपर जाके और वापस से नीचे की तरफ आ जाता है मिडिल में। तो ये इसका एंटी पिंच का फीचर्स है। इन केस यदि आप गाड़ी में हैं और आपने हाथ या कुछ यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ आ जाए, कुछ भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो ग्लास उसको क्षति ना पहुँचाए, उसके लिए यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो ये मैंने यहाँ से इसको दबाया और ये मैंने अगर हाथ भी रख दिया तो ये विंडो वापस से नीचे आ गई। तो भाई अगर ये फीचर्स आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मैं इसमें बताऊं कि जो इसके नज़दीक ले जाता हूं, ये देखिए यहां पे 2 नॉक मिलते हैं आपको। ये छोटा सा नॉक है और ये इसका कंप्लीट नॉक है। इसी तरीके से आपकी तरफ भी है, ये छोटा सा नॉक है ये, और ये इसका कंप्लीट नॉक है, ठीक है। ये इसका छोटा नॉक है मिलेगा और इसका कंप्लीट नॉक हो गया, तो ये पूरा विंडो नीचे आ गया। तो कुछ इस तरीके से इसका मैकेनिज्म वर्क करता है।